हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज ही आपका रिजल्ट आया है, IBACIO के टीयर टू का रिजल्ट आया है। तो IBACIO के टीयर टू के रिजल्ट में खास बात यह है कि उसमें उन्होंने एक सरप्राइज दिया है और एक चीज पहले से ही डिटरमाइन थी। तो एक तो हमें पहले से पता था कि इंटरव्यू होने वाला है इसमें, और बाकी आज की SSC की किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये मात्र आज की तारीख में ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। और सरप्राइज ये है, साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखा हुआ है इसमें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा इनका इसमें। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है और इंटरव्यू कैसा रहता है, इसको जानने के लिए मैंने बुलाया है हर्षित शुक्ला सर को। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मेरे बहुत ही बढ़िया मित्र हैं। तो फिलहाल ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा इन्होंने CGL भी क्लियर किया हुआ है, CGL में ऑडिटर के पद पर इनका सिलेक्शन हो चुका है, CGD ऑडिटर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसके अलावा इन्होंने IBACIO का में इंटरव्यू भी दिया था, रेलवे NTPC में भी इन्होंने इनका क्लियर हुआ था और उसमें इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था। तो ही हैज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ IBACIO इंटरव्यू और साथ ही साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी। तो कल से, मतलब जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर आज तक मेरे पास कई मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो दो सवाल हैं, इंटरव्यू और एक है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो हम, इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है तो इनका पहले एक्सपीरियंस पूछेंगे कि इंटरव्यू में कैसा रहा, उसके बाद हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी पूछेंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है और कैसा क्या उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस IBACIO के कैसा रहा और क्या कुछ पूछा जाता है, और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो हेलो हर्षित, हाउ आर यू, कैसे हो? बढ़िया। हेलो, थैंक यू अमन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि क्या होता है इंटरव्यू में साइकोमेट्रिक, ऐसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज इस समय पड़े हुए, मैंने उनको अभी रिप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है जैसा। लेकिन अगर बात करें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट थोड़ा सा सरप्राइज टेस्ट है, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन ऑडियो मेंशन कर दिया था इन्होंने कि ये हो सकता है, अलग से इन्होंने नोट बना के उसमें डाला हुआ था। और इंटरव्यू तो एक, खैर, एक अलग प्रोसेस इसका है ही है। थोड़ा सा अगर बात करें इसे इंटरव्यू में क्या है कि इसमें कुछ चीजें आपको स्पेशल ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, आप अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिए क्योंकि उस पर आपको एक फॉर्म का नोटिफिकेशन मिलेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि नॉर्मली जब आप किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होते हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें नॉर्मली आपका जब सिलेक्शन फाइनल हो जाता है उसके बाद आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, जिसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, AF शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोला जाता है। लेकिन IB में ये काम वो इंटरव्यू के पहले ही करा लेते हैं, और उस फॉर्म में आपको डिटेल पूरा अपने बारे में भरनी होती है, अपने फैमिली के बारे में, अपनी पूरी हिस्ट्री जो आपकी एक तरीके से आप बोल सकते हो बचपन से लेकर अभी तक की, वो उसमें पूरा आपको फिल करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 16-17 पेज का फॉर्म होता है, वो आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सब बैंक डिटेल्स आपकी क्या है, जैसे सब चीजें नॉर्मली जॉब के बाद पूछी जाती है, लेकिन इसमें वो चीज वो पहले ही पूछ लेते हैं उसमें, ताकि जब फाइनल सिलेक्शन हो सीधे आपको ज्वाइन लेटर आपके घर में आए और आप सीधे ट्रेनिंग पे चले जाए उसमें। तो ये एक स्पेशल इसमें काम होता है। और फॉर्म में ध्यान रखिएगा कोई भी चीज छुपाइएगा नहीं, क्योंकि ये IB है और आपको इसीलिए उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली उसमें एक अलग से फॉर्म भी होता है, इसको बोलते हैं SQ बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर। उसमें आपसे जैसे पूछा जाता है कि आप किसी, मान लीजिए कोई एग्जाम में डिबार तो नहीं किए गए, या कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस तो नहीं है, या फिर आपका कोई जान पहचान वाला कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसे देश गया है कि नहीं, तो ये सब भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, और जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो DV में ये सब चीजें थॉरोली चेक की जाती हैं। कुछ गलत हुआ तो, मतलब गलत क्या, ऐसा नहीं हो तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा सब कुछ आप उसमें अच्छे से भरें। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जैसे सबकी बार आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, जो भी रिजल्ट का नोटिस आया है कि उसमें इन्होंने लिखा है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले होगा, उसके 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा, सेम वेन्यू पे होगा, उसमें अलग अलग आपको नहीं जाना पड़ेगा। और साइकोमेट्रिक टेस्ट आई थिंक एक तरह का है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ही वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरव्यू आपका अलग दिन कराया जाएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के दिन ही हो जाए और जो आपका इंटरव्यू वाले दिन है। आप बिल्कुल सही बात है, हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम इंटरव्यू की बात करते हैं और उसके बाद हम साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आते हैं। तो आपने जैसा बताया कि पहले क्या होगा कि अभी मान लीजिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, इनके मेल पर एक फॉर्म आएगा जिसको आप जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उस तरीके का, इनके मेल पर एक फॉर्म आएगा जिसमें 16-17 पन्ने का फॉर्म होगा जिसमें एकदम जन्म कुंडली उसमें लिखनी होगी आपकी, पूरा पूरा एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं उसमें ये भी लिखना पड़ता है कि जैसे आपके नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर है कि नहीं, अगर जैसे नॉर्मली होता है कि बाइक लोग जब तो जितनी एज है सबकी हो जाती है, और आपका जो फोन नंबर है वो आपके नाम पे रजिस्टर है कि नहीं, ये सब भी उसमें स्पेशली आपसे पूछा जाता है मेंशन करना, मतलब पूरी चीजें आपकी वो इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवा लेते हैं पहले ही सब कुछ। अच्छा, तो वो फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा अभी भी? हाँ, मेल पे मेरे पड़ा हुआ है फॉर्म।
ठीक है, तो फिर हम देखते हैं अगर उसमें ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो सीक्रेसी वाली हो तो हम उसमें आपकी डिटेल्स हाइड करके तो तरीके का फॉर्म नहीं, वो प्लेन फॉर्म है पूरा, जो मेल में आया था जो फॉर्म आईबी की तरफ से, तो वो फॉर्म है मेरे पास। ठीक है, तो हम उसको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे उसको डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, शेयर कर देंगे सो दैट जिन लोगों का आगे आए तो वो लोग देख सके कि क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मुझे नई चीज पता, नहीं पता था, ये बिल्कुल फ्रेश है कि आपको पहले तो एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा आपके मेल पे। तो ये एक चीज तो सबसे ध्यान रख लो कि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपनी मेल का पासवर्ड नहीं याद होता है, और कई लोग मेल तो बहुत जरूरी है, मेल डाल देते हैं, इंटरनेट कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो कौन सी मेल डाल दी थी, तो वो बड़ा ध्यान से पता कर लो भैया कौन सी मेल डाली थी, क्योंकि उसी हमारा सब कुछ आएगा, तो उसी पे ही सब कुछ आएगा। उस मेल आईडी को चेक करते रहिएगा रेगुलरली, क्योंकि जनरली हमारी आदत नहीं होती क्योंकि हमें मेल वगैरह कौन नहीं करता है कि नहीं, सब व्हाट्सएप कर रहे हैं आज के जमाने में, तो इसलिए ये जरूरी है कि अपना मेल चेक करते रहना, उसी पे फॉर्म आएगा और उसको भर के भेजना होगा, मेल पे ही रिवर्ट करना होगा। नहीं आई थिंक मुझे याद नहीं कि वो फॉर्म रिवर्ट भी नहीं, रिवर्ट नहीं, शायद आपको हार्ड कॉपी ले जानी पड़ती शायद, नहीं तो वो इंटरव्यू के टाइम पे ले जानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाते हैं तो उसमें वो सब भी चेक होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि पहला वो फॉर्म होगा, ठीक है। अब आपका जो, जैसे आप कानपुर में रहते, तो आपका सेंटर कहाँ पड़ा था इंटरव्यू का? सेंटर एक्चुअली मैं लखनऊ गया था, और आई थिंक आसपास के जो सभी जोन थे, मुझे लगता है शायद बिहार का भी सेंटर शायद वहां गया था कुछ, मुझे परफेक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसे अगर यूपी में आप हैं तो आपका सेंटर लखनऊ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो लखनऊ सेंटर, लखनऊ मतलब जो आईबी का ऑफिस है वहीं पे ही जाएगा, मतलब मोस्टली शहर के, आपके राज्य के शायद, हाँ जो कैपिटल जो होते हैं, हाँ वहां पे ही जाता है। ठीक है, तो आपका सेंटर जहां पे भी था, उसके बाद सेंटर पे आपके पहुंचने के बाद आपने क्या किया, और उसके पहले आपने कैसे इंटरव्यू की तैयारी की थी, आपने कैसे तैयारी की थी और फिर वहां पे क्या सरप्राइजेस मिले? देखिए सबसे पहली बात तो आईबी की खास बात क्या है कि इसमें आपको कभी भी कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलते ही नहीं है। अगर आप एक बार सिलेक्शन हो जाएंगे तो आप फिर दोबारा कभी सोशल मीडिया पे आओगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया हो, क्योंकि मैंने 2017 में एग्जाम दिया था, उसके पहले जब आईबी का पेपर हुआ था तो वो एक बिल्कुल अलग पैटर्न पे हुआ था पेपर, उसमें प्री मेन शायद एक साथ ही था, मतलब प्री था, उसी में फिर एक एसए का फॉर्म दे दिया, तो उन्होंने एसए लिखना हुआ था। तो इस तरह से क्या था कि इसमें थोड़े से जो एस्पिरेंट होते हैं जो आईबी के स्पेशली, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मिल जाता है। वही चीजें देखी जाए कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, और सब में एक ही चीज समझ में आई थी कि बेसिक नॉलेज जो आपकी वो करंट अफेयर से होनी चाहिए, और आपसे बहुत तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि आप इसका प्राइम मिनिस्टर बताओ या वो चीज बताओ, नॉर्मली वहाँ पे आपसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी जो एक्सपीरियंस थे तो मैंने उनसे बात करी, तो उनसे भी कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें वो आपकी एक तरीके से थिंकिंग को चेक करते हैं कि आप वहाँ पे उस सिचुएशन में चीजें कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आपका इस जॉब में काम ही यही है। आप अगर ACIO को फुल फॉर्म देखें तो इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम ही यही है कि आपको वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी उसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और खासकर से जो बोलते हैं एक तरह से जैसे आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ही होता है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो टॉपिक्स जरूर उनको टच करके जाइएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका CA NRC हो गया तो ये भी उससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में पूरा आप हर तरीके की चीजें, मतलब जितना डीप जा सकते हैं चीजें पढ़िए कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछें आपको एक प्रोसेस बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहली चीज आपके हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का मतलब जो आपके थोड़े से पॉलिटिकल व्यूज वाले हैं, थोड़े से इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा उसमें। ठीक है, तो अच्छा आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और इंटरव्यू में जाने के लिए कैंडिडेट को क्या तैयारी करनी चाहिए, आपने सवाल के लिए बताया, बाकी फॉर्मल्स वगैरह ड्रेस वगैरह का कुछ रहता है? देखिए इंटरव्यू का तो जनरल रूल है कि आप फॉर्मल्स पहन के ही जाइए, और अब तो जैसे अब आई थिंक हमको लगता है कि दिसंबर में होगा तो आप फॉर्मली सूट पहन के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू 1-2 महीने में आई थिंक कंडक्ट करा लिया जाएगा। और सबसे खास बात है कि इंटरव्यू के आई थिंक 15-20 दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। लास्ट बार तो यही हुआ था कि जून में आप इंटरव्यू हुआ था, जुलाई में शायद रिजल्ट आ गया था इसका, जितने भी सभी का पूरा एक साथ ही। तो फॉर्मल पहन सकते हैं, और जो नॉर्मल एटिकेट है वो आपको फॉलो करने हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू का लोकेशन है उसको जरूर आप एक दिन पहले देख के जाइएगा, क्योंकि आईबी के जो ऑफिस होते हैं उसके बाहर बोर्ड नहीं लगा होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे ऑफिस, लोकेशन बताया जाएगा, इवन आस के लोगों को नहीं पता होता है,
मेरा सेंटर जो था वो लखनऊ के कैंट एरिया में था, स्पेशली मायावती का जो बंगला उसके जस्ट पीछे था, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं था कि यहाँ आईबी का ऑफिस है, तो ढूंढने में काफी मुश्किल हुई थी। लेकिन तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो वेन्यू है उसको अच्छे से एक बार पहले, एक दिन पहले जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक तो वेन्यू ये हो गया, और सूट पहन के जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग सूट पहने, अगर कोट पैंट अगर पहन रहे हैं तो ठीक ठाक पहनिएगा, ऐसा मत पहनिएगा कि बहुत ही चमकीला और किसी शादी में आपने चमकीला टाइप का रंग बिरंगा सूट पहन के जा रहे हैं। फॉर्मल का मतलब आप शायद थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगा, फॉर्मल लेकिन जनरल अगर आप कलर बात करें तो ब्लैक और ब्लू चलता है, बेसिक अगर आप नॉर्मल नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक कलर आप जो भी पहन सूट करे आपके ऊपर, तो ये हो गया। और बाकी लड़के हैं तो आप शेविंग वगैरह करके जाइएगा तो वो ज्यादा सही होगा, उससे एक इफेक्ट पड़ेगा। बाकी मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता है, कोई रिटन रूल नहीं होता है, रूल नहीं होता है। हाँ, अब जैसे आप बियर्ड रख भी सकते हैं, लेकिन जैसे वेल ग्रूम्ड हो, बिल्कुल ट्रिम्ड होनी चाहिए। अब आप बिल्कुल मान लीजिए कई लोग होता है कि क्लीन शेव करा लेते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ी सी इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैंने कभी कराया नहीं लाइफ में, तो आप बिल्कुल ट्रिम कर लीजिए, बिल्कुल महीन कर लीजिए, उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहाँ पे आपका। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए मतलब आप एकदम एकदम बाबा जी बन के चले गए, वो भी नहीं। हाँ, वैसा बिल्कुल नहीं जाइए, बिल्कुल। How you present yourself to the interviewers? ठीक है, आपसे सवाल क्या क्या पूछे गए थे, सीधे मुद्दे पर आते हैं, आपसे किस तरीके के क्या क्या सवाल पूछे गए थे अगर आपको कुछ याद हो, और एकदम जो लोग आपको बाहर मिले हों उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे उनको? देखिए, सबसे पहले जब आप वहां पे जाएंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वन बाय वन आपको बुलाया जाएगा, वहां पे पूरा एक बड़े से हॉल में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां से दो दो तीन तीन चार चार लोगों को फिर एक दूसरे रूम में भेजा जाता है। वहां पे क्या होता है कि एक जो एस्पिरेंट है उसका इंटरव्यू अंदर चल रहा होता है और एक को बाहर वेटिंग रूम में बैठाया जाता है। आपका ध्यान रखिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू रूम के अंदर नहीं चेक किया जाता है, आपको सिर्फ वहां पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वहां पर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं इंटर में, आप उनको सब पता है वो चीजें, वो आपसे कोई भी वेरीफाई नहीं करेंगे चीजें। तो सबसे पहली चीज, एक बंदा आपका रूम के अंदर होता है और एक बाहर वेटिंग रूम में होता है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको वहां पे जगह जगह पे रखा होगा उसको पढ़ सकते हैं, जब आप अगर जब तक बाकी बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है। वो नेटवर्क के इशू से आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा, तो कि एक्चुअली में वहां पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे हुए मिलेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो चाहे आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो जहाँ आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हो, चाहे आप जहाँ वेटिंग रूम में इंटरव्यू के बाहर, वहाँ भी न्यूज़पेपर होते हैं तो उनको जरूर पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। और न्यूज़पेपर आपके नॉर्मली टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब आपके न्यूज़पेपर होते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या थी, जब इंटरव्यू रूम के अंदर आप जाएंगे तो एक नर्वसनेस तो होती ही है वहाँ पे। आई थिंक मेरे में टोटल 4 बोर्ड मेंबर थे, एक लेडीज थी, बाकी 3 मेल मेंबर्स थे। तो सबसे पहले मैंने उनको ग्रीट किया एज यूजुअल जैसे होता है, तो उन्होंने जो भी चीज बोली, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा था, क्योंकि मेरा नाम हर्षित है, तो उन्होंने पूछा कि आपके नाम का मीनिंग क्या है और ये आपकी पर्सनालिटी को कैसे सूट करता है। तो मैंने नॉर्मली था, हर्षित का मतलब होता है कि जो खुश रहे, एक हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि आप हर सिचुएशन में खुश रहते हैं या क्या है आप पर्सनालिटी, तो मैंने यही कोशिश करी बताने की, हो तो फिर खुशी तो जरूर उसमें होगी। और दूसरी चीज, एक ना वो नेटवर्क की वजह से फिर से कहां से ये हर्षित गया पूछा, उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने ये पूछा कि क्या आप हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने जैसा नाम के सिग्निफिकेंस में यही उन्होंने पूछा कि अगर आपका नाम हर्षित है तो आप हर सिचुएशन में खुश रहते हैं क्या, तो मैंने इसका जवाब यही दिया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि कंडीशन अगर एडवर्स भी है तो अपने आप को काम और कंपोज रखूँ और उसी हिसाब से अपने सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। एक मैं चीजें यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि लैंग्वेज की प्रेफरेंस क्या होगी इंटरव्यू में, हिंदी या इंग्लिश, ये चीजें क्वेश्चन होता है। तो आप पहले वहां पे आप पूछ सकते हैं उनसे कि सर मैं हिंदी में जवाब देना चाहूंगा, और अगर इंग्लिश में तो क्योंकि पहला वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका आंसर उसी में ही दें, और थोड़ा सा आप मिक्स भी लग सकते हैं लैंग्वेज, लेकिन हिंदी बोलने से पहले एक बार आप परमिशन उनसे ले लीजिएगा। और इसके बाद जो रियल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने न्यूज़पेपर के बारे में बताया, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि बाहर जो कौन वहाँ पे अवेलेबल था, और अब देखिए मुझे पता नहीं था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने नॉर्मली एक होता ना करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है, क्या चीजें हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर बहुत सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में होते हैं, उसमें पूछते हैं वो कि बताइए आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या है, तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा कि आप न्यूज़पेपर का थोड़ा सा फॉलो करिएगा। लेकिन उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपने इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं पढ़ा,
तो मैंने कहा कि कौन सा अखबार पढ़ा था उन्होंने, इंडियन, हम मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था मैंने, उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कौन सा अखबार पढ़ा, हाँ वहाँ पे हिंदू मैंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया सारे थे, आपसे पूछा कौन सा पढ़ा, सारे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पूछा कि आपने इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं पढ़ा, तो मैंने हाँ उन्होंने, और फिर सीधे क्वेश्चन था उनका आपके घर में कौन सा आता है, तो हमने कहा सर मेरे घर में तो हिंदी न्यूज़पेपर आता है हिंदुस्तान, क्योंकि तो फैमिली को बाकी पढ़ना होता है, तो बाकी मैंने उनको ये चीज बता दी कि एक्चुअली उसमें न्यूज तो बहुत कम होती जो हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल अवेयरनेस की न्यूज ज्यादा होती है उसमें, तो उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की अगेंस्ट न्यूज़पेपर है, तो ये चीज कहना सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन आपको फंसा दिया कि एक एनालिटिकल अप्रोच देखना चाहते हैं और इससे वो आइडिया लगा लेंगे कि आप कौन सी विंग में आते हो, लेफ्ट विंग में आते हो कि राइटिंग में, तो डिपेंड करती कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, किसी के लिए वो सही अप्रोच होगी, किसी के लिए वो गलत अप्रोच होगी। अब इंडियन एक्सप्रेस आई थिंक हमको लगता है कि वो गवर्नमेंट की निगेटिव चीजों को डायरेक्ट पॉइंट आउट करता है, तो वो अपने परसेप्शन बता रहा है उसके बारे में, ना कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मैंने यहीं पे अपना आंसर रोक दिया था कि आगे वो डिग आउट करते इसके बारे में, मैंने यहीं पे रोक दिया। हर्षित फिर से नेटवर्क से, आपने जवाब क्या दिया कि आपने इंडियन एक्सप्रेस क्यों चूज किया? इंडियन एक्सप्रेस मैंने मतलब उन्होंने यही पूछा था कि ये बायस्ड पेपर है कि नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी न्यूज इसमें वो दिखाता है, तो मैंने कहा सर बायस्ड एक पर्सपेक्टिव है लोगों का, आप किसी के लिए वो बायस्ड न्यूज है, किसी के लिए वो फेवरेबल न्यूज है, हाँ ये बात है कि इंडियन एक्सप्रेस जरूरी है कि वो एक निगेटिव जो न्यूज है उसको ज्यादा पोर्ट्रे करता है कंपेरिजन टू पॉजिटिव न्यूज। ओके ओके ओके, फिर ओके अगला सवाल आपसे क्या पूछा था? हाँ क्वेश्चन बिल्कुल, और यूपी में अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है? एक सेकंड यार, एक बारी आप वाईफाई आप बंद कर दो, मोबाइल नेटवर्क से ही कर लेते हैं, क्योंकि बार-बार नेटवर्क में दिक्कत। रुको मोबाइल से देखना, एक मिनट मोबाइल से करते हैं, मोबाइल से कर लो, एक मिनट रुकना। हेलो आवाज आ रही है? आगे कंटिन्यू करते हैं, तो अगला सवाल आपसे क्या पूछा था? हाँ तो अगला सवाल, सबसे पहले जो बोर्ड मेंबर थे, जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने पूछा था कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको यूपी का एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके बारे में कोई प्रिपेयर्डनेस तो थी नहीं कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक नेचुरल बोल सकते हैं या जो भी था, मेरे इंस्टिंक्ट ये है कि मैंने कहा कि जो उस समय शायद आई थिंक मुजफ्फराबाद या कहीं पे कुछ दंगे हुए थे, कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे उससे रिलेटेड, तो मेरे दिमाग में वही चीज थी, तो मैंने यही कहा कि सर जो आजकल कम्युनल राइट्स हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को भड़काने वाले हैं, कुछ लोग नेता जो है वो उसको मतलब भड़काते हैं या भाषण देते हैं, सबसे पहले मेरा स्टेप ये होगा कि इसको कोशिश की जाए रोकने की। तो इसके बाद उन्होंने इस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन अब इससे रिलेटेड उन्होंने आगे जो चीजें थी वो कई सारी क्वेश्चन रिलेट करते चले गए थे उसे। इसके बाद जो क्वेश्चन था, एक जहां तक मुझे याद है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो भगवान राम है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, लेकिन जब भगवान सीता आई थी, जब वो जीत के आए थे, तो उनको सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी जबकि वो उनकी वाइफ थी, तो ये आपके मतलब नजरिए में सही था कि गलत था? तो अगेन देखिए ये भी ऐसा क्वेश्चन, इसके बारे में कोई प्रिपेयर तो था नहीं, तो अब लेकिन वही है कि जवाब तो देने का, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी, तो मैंने यही कहा कि सर आई थिंक जहां तक लगता है कि उनको अपनी वाइफ पे तो पूरा यकीन था, लेकिन वो कुछ कंडीशंस थी उस समय ऐसी कि उनको सीता को ये चीज बोलने के लिए बोला गया, उन्होंने मुझे फंसा दिया तुरंत, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप होते राम की जगह तो आप क्या करते, अपनी वाइफ की अभी परीक्षा लेते कि ना लेते, उन्होंने ये क्वेश्चन, मैंने कहा सर मैं ना लेता बस अग्नि परीक्षा, तो बस वहां उन्होंने रोक दिया चीजों को। अगला क्वेश्चन था उनका कि जैसे मैंने कहा कम्युनल राइट्स वाला, तो उस समय एक और भी चीजें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राष्ट्रगान जो होता है मूवी थिएटर्स में, तो उसको शायद बैन हटा दिया था या लगाया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो मैंने ये पूछा था कि राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी है कि नहीं, कि ये मतलब एक कंडीशन बना दी जाए कि आपको खड़ा ही होना रूल है कि या एक रूल है आपका, तो मैंने यही उसमें बताया कि वैसे तो देखिए किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते हो कि किसी चीज को फॉलो करने के लिए, लेकिन अगर कहीं पर भी राष्ट्रगान है या आपका राष्ट्रीय ध्वज है तो आप उसको कोशिश करिए कि सम्मान देने की एक जो उसके एक औहदा है उसको फॉलो करें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिनेमा हॉल में उसको बजाएं, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई परसेप्शन लेके नहीं जाता देशभक्ति का, लेकिन अगर कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा है तो लोगों का वहां पे उसको सम्मान देना जरूरी है, एक क्वेश्चन। इसके बाद उन्होंने तुरंत
रिलेट करके पूछा कि इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फर्क है। तो मैंने यही कहा दोनों सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो मुझे जहां तक लग रहा है कि वो इसको जोड़ के देख रहे थे, क्योंकि उस समय था ना कि बहुत जगह होता कि वंदे मातरम नहीं बोलने पे पीट दिया, तो सिनेमा हॉल में किसी वंदे मातरम ना बोलने पे शायद किसी की पिटाई भी कर दी। हाँ हाँ, तो उसी से शायद उनका रिलेशन था। तो इंकलाब जिंदाबाद उन्होंने एक उर्दू वर्ड ले लिया और एक वंदे मातरम ले लिया। मैंने कहा नहीं दोनों सेम है ऑलमोस्ट, उसमें ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। और फिर एक हॉबी से, हॉबी क्या उन्होंने, एक मैम थी उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो हॉबीज मैंने बताया कि सॉन्ग सुनना और बाकी जो चीजें हैं। तो उन्होंने कहा अब देखिए, अब हॉबीज का देखिए, आप जब भी आप बताएं तो ऐसी हॉबी बताएं कि वो क्वेश्चन उससे पूछ भी सकते हैं। जैसे मैंने जैसे कहा कि सॉन्ग सुन, तो उन्होंने कहा आप क्लासिकल सॉन्ग सुनने, नहीं जो नॉर्मल जो चलते हैं सॉन्ग, उन्होंने नहीं तो क्लासिकल बोल देता कि हाँ हाँ बहुत क्लासिकल सुनते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के फंसा देते वो चीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वहां पर उस चीजों को अपने हिसाब से। अब इतने ही जहाँ तक, हाँ और एक क्वेश्चन शायद नॉर्थ ईस्ट से स्टेट से भी था उनका, कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो सेवन सिस्टर्स बोला जाता है वहाँ के स्टेट्स को, तो उनके शायद नाम पूछे तो मुझे नहीं याद है, लेकिन एक क्वेश्चन था उधर की तरफ से रिलेटेड इसमें। और देखिए मेन चीज क्या है कि जो एक्सपीरियंस, जैसे ये तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, जो बाहर मुझे कुछ बाकी एक्सपीरियंस जब मिले तो सबका जो क्वेश्चंस थे ऐसा नहीं कि सबको सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो डिपेंड करता है कि जब आपने स्टार्टिंग में जो अपने आपको पोर्ट्रे किया वो उससे रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे चले जाएंगे। जैसे मेरा एक वहाँ पे एक फ्रेंड था, वो उसके पापा आर्मी में थे, तो अब उन्होंने उससे पूरा, उससे आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड पूरा था, तो उससे सब क्वेश्चन वहीं के उससे पूछ लिए कि आपकी पोस्टिंग, आपके पापा कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग थी, क्योंकि बाहर जगह पोस्टिंग होती है, तो फिर आर्मी का बैकग्राउंड और आईबी में क्या फर्क है, आप दोनों को कैसे यूज करोगे, तो ये सब चीजें उसके उस बैकग्राउंड से पूछ लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पापा आर्मी में हो तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मेरा फ्रेंड था, उससे पूछा था शायद गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ थे वो उपचुनाव हार गए थे उस समय, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं, कि वहां पे जबकि सीएम है और इतने साल से जीतते आ रहे थे लेकिन क्यों हार गए, तो इसके आप थोड़ा सा एक उसका एनालिसिस करो। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, मेन चीज क्या है ना, इसका आप कोई खास प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरल आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज के बारे में। और सबसे मेन चीज क्या है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं है कि आपसे पूछेंगे येस और नो इसका आपका आंसर आता है कि नहीं, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आप कंडीशन को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, और उसमें आप अपने आप को, अब वही होता है ना कि अब ऐसे क्वेश्चन में आप ना नहीं बोल सकते। नॉर्मली क्या होता है कि किसी ने पूछा सर ये नहीं आता मुझे, तो आप वहां पे ये चीज नहीं कर पाओगे किसी क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब रट्टाफिकेशन कतई काम नहीं आने वाला है। हाँ, रट्टे का कोई मतलब ही नहीं है कि आप ये याद कर रहे हो कि प्रेसिडेंट कौन है, बेसिक चीजें तो याद ही रखना, मतलब हाँ बेसिक तो याद ही होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा रटने का कोई मतलब नहीं होगा। और जो बिल्कुल सही आपने कहा हर्षित, की जो ये होता है कि जैसे हमें अगर कोई सवाल नहीं आता है तो हम ये जनरली ये बोल देते हैं कि सॉरी सर इसका जवाब नहीं पता, तो उसकी हाँ, हाँ, नहीं, क्योंकि ज्यादातर वो एनालिटिकल सवाल पूछ रहे हैं जिसमें सिचुएशन बेस्ड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मेरा मुझे जितना समझ में आया हर्षित आपका एक्सपीरियंस जान के, क्योंकि पहली चीज तो एक तो आपको आप बोल के बड़ा अजीब लग रहा है और तुम्हें सुन के भी शायद अजीब लग रहा है। तो मतलब मुझे इतना समझ में आया कि पहली बात तो आप जो भी बोले वो ऐसी शब्द, ऐसा शब्द या ऐसी बात बोलें जो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो मतलब पता चला। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखता हूँ और उसने पूछा कि हॉबी क्या है, तो हम चौड़ में बोल दिए कि फुटबॉल देखते हैं। अब उसने पूछा कि फुटबॉल में टॉप रैंकिंग किसकी है, वो पकड़ सकते हैं आपको फुटबॉल से। हाँ, अगर आप क्रिकेट खेलना भी बोल रहे हो कि हमारी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो फिर तैयार रहो कि क्रिकेट से सवाल आने वाला है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मैच देखते हैं बट हमें कई बार स्टैट्स और चीजें नहीं याद रहती हैं, तो वो चीज बोलना है जिसके बारे में आपको पता है। दूसरी बात, मैं जितना समझ में आया आपके पर्सनली, आपने कहा कि सबका एक जैसा नहीं था, बट खैर आपके मुझे आपको तो आपका ही का एक्सपीरियंस मिला, तो मैं ये कहूंगा कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को किनारे रख के आना, क्योंकि देखिए वो आईपी है, वर्तमान सरकार भले राइट विंग की हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो सरकार में है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार राइट विंग की चल रही है या लेफ्ट विंग की चल रही है, जिसकी भी चल रही वो उसके हिसाब से काम करेंगे, तो आपको तो दोनों सरकार में रहना है। तो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बिल्कुल किनारे रखना और हर बात पे एक वाइडर पर्सपेक्टिव रखना है आपको। ये नहीं हमें कि मतलब भले ही आप पर्सनली कि आपके कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी व्यूज हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने होमोसेक्सुअलिटी का एक एडिटोरियल पढ़ा था, तो अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की कोई बात हो रही है तो आपको वहां पे अपने मतलब तरीका यही कहता है कि आपको वहां पे अपने लिबरल व्यूज ही रखने होंगे, बाकी तुम लिबरल्स को कितनी भी गाली दे लो, भले ही तुम्हारे व्यूज बिल्कुल भी मैच ना करते हो उनसे, लेकिन आपको एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू ही रखना पड़ेगा।
आपको एक समावेशी ही व्यक्ति। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे और भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप पॉइंट रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ना बोल जाए, क्योंकि ध्यान रखिए गवर्नमेंट के ही अंडर में है इस समय आई भी, तो वो चीज ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल बायस ना हो जाए कि एक तरफ की हम गवर्नमेंट की प्रशंसा ही नहीं करेंगे बिल्कुल कुछ भी चीज है, मिडिल में रह के करिए ना, आप एक तरफ जाओ ना दूसरी तरफ जाओ, कोशिश यही कर। देखिए आपको डिप्लोमेटिक रखना है, आप अगर एक पॉइंट, हाँ हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट अच्छा भी बता रहे, अगर आप ये कहें कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऑन द कॉन्ट्रेरी मीडिया को फोर्थ प्लेयर होने के नाते अपोजिशन का काम भी करना चाहिए, तो वो दोनों बिल्कुल 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 साथ लेके चलनी है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो लोग बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ते लिखने का सेंस ये नहीं था कि आप मैथ्स अंग्रेजी नहीं पढ़ते, पढ़ते लिखने का सेंस मतलब जो लोग बिल्कुल भी दुनिया से कटे रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं चलाते या अखबार बिल्कुल नहीं या न्यूज नहीं देखते, तो थोड़ा सा मेरा, मैं यही कहूंगा कि जब से मान लीजिए अभी रिजल्ट आ रहा है, जब भी इंटरव्यू होता है तब तक डेली एटलीस्ट अखबार पढ़ो, कोई भी अखबार पढ़ लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, ऑनलाइन पढ़ लो, वेबसाइट पे पढ़ लो, एंड जो भी करंट सिनेरियो में जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो जेएनके से रिलेटेड हो या यूपी से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, आप उसको रीड करते रहिए, और उसमें जैसा मैंने कहा एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक जिसमें आप सारे तरीके के व्यूज, ऐसा नहीं कि आप मतलब चूंकि तुम्हारा राइट विंग की तरफ झुकाव है तो तुम उन्हीं ऑथर्स के आर्टिकल पढ़ रहे हो जो लोग राइट विंग का लिखते हैं, या अगर आप लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव है तो तुम वही आर्टिकल्स पढ़ रहे हो जो लेफ्ट विंग का लिखते हैं, वीर सावरकर वाला इशू। तो अब वीर सावरकर की बात अगर हो रही है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ऑथर ऐसे भी पढ़ने हैं जो वीर सावरकर के पक्ष में हैं और ऐसे भी पढ़ने जो वीर सावरकर के अगेंस्ट में है, दोनों तरीकों को लेकर चलना पड़ेगा आपको, तभी आपको इंटरव्यू में सफलता। एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, मुझे अभी एक क्वेश्चन और याद आया, उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछा था कि मैंने बताया कि उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो आप फिर उस फील्ड में क्यों नहीं आगे गए, मतलब आप बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी या उस फील्ड में क्यों नहीं आगे गए, तो ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था, और इसका जवाब मेरा यही था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी थी, तो उन्होंने कहा देखिए आईबी की तो आप प्रिपरेशन की नहीं होगी क्योंकि कोई भी स्पेशली तो आईबी प्रिपरेशन करता नहीं, तो आपने बाकी कौन कौन से एग्जाम दिए, तो इन एग्जाम्स के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि मेरा उस समय जहाँ पे मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ यहाँ सिलेक्शन हो गया था, तो ये चीज मैंने उन्हें बता दी, तो हो सकता है ये मेरे लिए बैकफायर भी कर गई हो, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरा सिलेक्शन एक जगह हो चुका है ऑलरेडी, और वो मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से ही रिलेटेड था, तो और जैसे मैंने ये बोला था उन्होंने कुछ नोट किया था, तो मुझे लगता है शायद ये बैकफायर कर गया हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कभी आप ये ना बताइए कि मेरा एक जगह ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, आप बोले हाँ वो प्रोसेस में है, मैंने उसके एग्जाम मतलब कई सारे क्लियर कर चुके हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बोलने से बचिए कि हाँ मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया है, तो उनके दिमाग में आ जाए कि मतलब यहाँ ना भी हो तो उसका चलेगा, तो एक ये चीज ध्यान रखिएगा उसको बोलने से पहले। वो हर एम्प्लॉयर की प्रायोरिटी होती है कि वो हर जगह होता है कैंडिडेट को, अगर मतलब एसएससी में भी अगर ऐसा हो तो हर एम्प्लॉयर की प्रायोरिटी होती है कि हम उसी कैंडिडेट को ऐड करें जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे, और क्योंकि आईबीएस आप लोग कोई भी व्यक्ति कोरा या गूगल पे पढ़ेगा तो ये पाएगा इसमें बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉपआउट होते हैं, तो प्रोबेशन खत्म करने से पहले ही लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ी सी मतलब टफ जॉब है, तो ये चीज होती है, इसलिए इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब आप वहां जवाब दें तो ये बताएं कि हमारा, अगर मान लीजिए आप बीटेक से हैं तो वो पूछते हैं कि आप सीएसआईटी कंप्यूटर में क्यों नहीं गए, तो आप बताएं कि हमें सरकारी नौकरी की तरफ जाना था और सरकारी नौकरी में भी मुझे रक्षा इंटेलिजेंस इसमें हमेशा से मतलब इंटरेस्ट रहा है और पहले मैं रक्षा एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था उसमें नहीं हुआ और मैं यहाँ पे तैयारी, तो इस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट करिएगा कि उनका मन करे कि हाँ इसको हायर करें, ऐसा नहीं हो कि ये चीज बिल्कुल तो सरकारी नौकरी करनी थी घर में तैयारी कर लो ये फॉर्म आ गया तो हमने कर दिया, तो इस तरीके के लेम जवाब नहीं देने, और मैं ऐसा करता हूँ से कोई क्योंकि वो भी जानते हैं कि आईबी से बहुत लोग कोशिश करते हैं जहां उनको दूसरी जगह मिला, तो क्योंकि थोड़ी सी देखिए टफ जॉब तो है, ऐसा सीधी सी बात है, आप वर्क प्रोफाइल के बारे में पढ़े, पैसा ज्यादा है देखिए ऐसी बात नहीं, आपको ऑलमोस्ट 75 to 80,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ, जो आई थिंक 4600 ग्रेड पे में किसी में भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर वही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो लोग हो सकता है कि 2000 कम सैलरी मिले तो बाद में 2-3 साल में एसएससी में जॉब लगी छोड़ के चले जाते, तो उनके दिमाग में ये चीज जरूर रहती है, वो इंटरव्यू है तो वो सब जानते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। ओके, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की। साइकोमेट्रिक टेस्ट पिछली बार आईबी में नहीं हुआ था, आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था उसमें आपसे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में के पेपर हुआ था, तो क्या होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप उसे एक बार ब्रीफ में बता दो, कैसा पेपर आया था, क्या सिस्टम था? पेपर तो बहुत नहीं आया था, 2016 में हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं तरीके से रीजनिंग जैसे होती है ना, रीजनिंग पे ही बेस्ड पेपर होता है,
और आप नोटिफिकेशन में आईबीपी के पढ़ेंगे तो आईबी के नोटिफिकेशन में लिखा है साइकोमेट्रिक टेस्ट स्लैश लगा के एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है। तो एप्टीट्यूड एक जनरल एप्टीट्यूड होता है। अब उसमें आप जान रखिए, उसमें आपसे इन्हें पूछेगा कि मतलब कोई जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं होगा कि इसके आप राजधानी बताइए, इसकी करेंसी बताइए, वो से नहीं, नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे जहां तक मुझे याद है, जैसे आपने अगर आपने देखा कुछ क्वेश्चन जो नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं, जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको चार डायग्राम दिए तो बताओ ये अगला डायग्राम कौन सा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें ज्यादा होते हैं। और कभी कभी होता है क्या है कि आपको कुछ कंडीशन होती है सिचुएशन बेस्ड दी जाती है कि जैसे एक पैराग्राफ बड़ा सा लिखा है, अब उस पैराग्राफ में क्या है कि उस पैराग्राफ में सपोज करिए एक कंडीशन लेके चलते हैं कि उस पैराग्राफ में उन्होंने एक ऐसे जॉब के बारे में बताया है कि आपको किन किन लोगों को सेलेक्ट करना है। अब उसमें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें दी होती हैं, आपको अच्छे से वो पढ़ना है। नीचे आपसे कहेगा कि एक आदमी है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, बताइए वो जॉब के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा कि पूछेगा कि 12th पास है तो आप बताइए 12th। अब उसमें हो सकता है पैराग्राफ में लिखा हो कि किसी को 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और नीचे उसने जॉब एप्लीकेशन के में लिखा हो कि इस आदमी ने यहाँ से यहाँ तक एक कंपनी में वर्क किया है, तो आपको रिलेट करना है कि अगर उसके 3 साल हो गए इसका मतलब वो एप्लीकेबल है, इस तरीके की चीजें। तो एक एनालिटिकल होती है, उसमें कोई ज्यादा वैसा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और कुछ क्वेश्चन शायद आई थिंक टाइम बेस्ड भी होते हैं कि आपको एक लिमिटेड टाइम में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और होता क्या, उसमें एक लाइन चल रही होती है, उसमें पूरे कई सारे वर्ड होते हैं, तो आपसे पूछता है कि बताइए इस वर्ड के बाद कौन सा लेटर था या फिर कौन सा एक सिंबल था। तो ये भी चीज उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस जो होता है। और हो सकता है इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सके कि आपको एक पिक्चर दे दी जाए और आप उसको आप एनालिसिस करो, जैसे आप SSB इंटरव्यू में नहीं होता जैसा कि एक इमेज दी गई तो आपको उस पर बेसिक स्टोरी बतानी है, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिए, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन आप रेलवे में जो लोको पायलट होते हैं उनके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाता है, तो आप YouTube पे सर्च करेंगे अगर उसके बारे में तो आपको बहुत सारे जो क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में कराए जाते हैं सबकी प्रैक्टिस, तो आपको उसमें थोड़ा सा एक इसका अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखिए इसमें, आप बहुत घबराइए ना, मेन पार्ट इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होता है जैसा बोला जाता है, कि क्योंकि बाकी सब आप जॉब में देखिए क्या होता है, इंटरव्यू का परसेंटेज कम होता है कि बैंक में क्या होता है 70% रिटर्न होता है, 30% इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें आप देखिए तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है और आपका 150 मार्क्स का आपका रिटर्न है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। और उनको जो सिलेक्शन करना है वो इंटरव्यू से ही लेते हैं, ऐसा नहीं आपने 150 आउट ऑफ 150 कर लिया हो रिटर्न में और इंटरव्यू में आप बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस कर दो, उनको पता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, मतलब ऐसे जनरल इंटेलिजेंस नहीं है। तो इंटरव्यू का जरूर फोकस करिए, क्योंकि आपको मार्क्स आपको पता नहीं है ना पता चलेंगे कभी कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स से रुका, तो इंटरव्यू पे मेन फोकस रखिए। साइकोमेट्रिक का थोड़ा सा आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा रेलवे वाले एग्जाम के एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो हमने बात कर ली इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, बात कर ली और साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कर ली। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट मेल आता है, इस तरीके से पीडीएफ शायद नहीं आएगी अब मुझे लगता है। हाँ, इसमें आप होता क्या, नहीं फाइनल आपको रिजल्ट आता है, उसमें रिजल्ट में सिर्फ यही रोल नंबर लिखे होते हैं, लेकिन होता क्या इसमें देखिए फाइनल रिजल्ट के बाद का भी प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है। अगर 2017 आईबी के इंटरव्यू की बात करें जो उसका नोटिफिकेशन था, उसमें जो ज्वाइनिंग है अभी जनवरी तक, लास्ट ईयर जो है जनवरी शायद अप्रैल तक ज्वाइनिंग उसकी हुई है इंटरव्यू की, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग में 120 शायद या 90 या 120 लोगों को बुलाते हैं ये, और ट्रेनिंग सेंटर केवल 2 है इंडिया में, एक राजस्थान में एक एमपी में है। तो और शायद इस बार जो आपकी वैकेंसी है 2000 है आई थिंक, तो अब आप सोचिए कि 120 अगर आप एक्वायर करेंगे तो एक बार में 240 लोग की ट्रेनिंग हो पाएगी, और ट्रेनिंग होती है 3-4 मंथ की, तो जो लास्ट कैंडिडेट है तो उसकी ट्रेनिंग आने में ऑलमोस्ट 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। ये तो ये चीज एक दिमाग में आप लेके चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद है, हो सकता है आपकी 2 महीने भी है, दोनों चीजें पॉसिबल है इसमें। ये तो ज्वाइनिंग में टाइम लग सकता है। ऑलराइट, हाँ लग सकता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, हमने इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात की थी और दोनों ही हम लोगों ने इनफ डिस्कस कर लिए हैं। पूरी बात का क्रक्स यही है कि अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखिए और थोड़ा पढ़िए लिखिए, यानी अखबार वगैरह पढ़िए, आइडियोलॉजीज को पढ़िए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पढ़िए, कौन कैसे सोचता है, उन सारी चीजों को पढ़िए। और बाकी जब इंटरव्यू में बोलिएगा तो सोच समझ के नाप तौल के बोलिएगा, ऐसी चीज ना बोलिए जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है, वो सामने वाला पूछ पाए, तो वो उस तरीके से। एक चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, देखिए आईबी की जॉब जो है वो बहुत लोगों को नहीं मिलती है, और आप जब एक बार आईबी में पहुंच जाएंगे, जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसने आईबी का जो ट्रेनिंग में पहुंचा था उसने बाद में छोड़ दिया था, उसका
एसएससी में हो गया था सिलेक्शन, तो उससे मैं थोड़ा सा पूछा था कि क्या ट्रेनिंग में, तो उसने यही कहा था कि ट्रेनिंग देखिए आईबी की जैसे आप बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल खुफिया विभाग है, तो ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तरीके की होती है। आप वहाँ अब देखिए फिजिकल भी होती है ट्रेनिंग, दौड़ वौड़ भी कराई जाएगी, सब चीजें आपकी होंगी, लेकिन जब आप एक बार उस डिपार्टमेंट में पहुंचोगे तब आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि आईबी को क्यों खुफिया विभाग बोला जाता है। तो ये जॉब देखिए बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन बस आप क्या है हर जगह ब्रैग नहीं कर सकते हो कि मैं आईबी हूँ, मैं आईबी में हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जॉब सबको मिल भी नहीं पाती, तो हर चीजें मॉनेटरी बेनिफिट भी है, सैलरी काफी होती है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़े या नक्सल वाले इलाके हैं जम्मू कश्मीर, पोस्टिंग देखिए स्टार्टिंग में वहीं मिलती है, आपको सीधे लखनऊ पोस्टिंग या दिल्ली पोस्टिंग नहीं मिल जाएगी, बाद में मिल सकती है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब आपके ऊपर है, आप श्रीकांत तिवारी बनते हैं, डीके बनते हैं। हाँ बिल्कुल, वेब सीरीज का काफी रोल है वैसे इसमें, वो जो लेके जाते हैं कि वेब सीरीज को उनको लगता होगा ना काफी एक्साइटिंग जॉब है। देखिए वैसी जॉब भी होगी, लेकिन वो आपकी डाउन द लाइन जब आप 10-12 साल सर्व कर लोगे सर्विस में तो आपको जरूर वैसी प्रोफाइल मिलेगी, लेकिन शुरुआत में आप ना सोचेगी सीधे आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने लग जाओगे। इट्स मोर लाइक एक आप श्रीकांत तिवारी से रिलेट भी कर सकते हो, आपको फैमिली भी चलानी है साथ ही साथ, और बिल्कुल बिल्कुल छुपा के भी रखना खुद को। एकता टाइगर जैसी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी आपको कटरीना कैफ। हाँ वो बिल्कुल नहीं होगी, वो चीज वो तो मिलेगी भी तो वो नहीं। और एक चीज और है, जो रॉ होती है जो सबसे खुफिया एजेंसी जो भारत की है, उसमें रिक्रूटमेंट आईबी के ही ऑफिसर्स का होता है, उसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, तो आईबी में अगर आपकी सर्विस काफी अच्छी तो आप हो सकता है आगे चल के उसमें भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो अब बाकी लोग ये समझ सकते हैं कि सर का नहीं हुआ इसीलिए हम इंटरव्यू ले पा रहे हैं, अगर इनका हो गया होता बिल्कुल बिल्कुल कोई ना मिलता आपको। तो खैर इसको यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ हर्षित शुक्ला नाम है सर का, आप इन्हें फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @iHarshit नाम है शायद, लिंक ऐड कर दीजिएगा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, सर की इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक हम डाल देंगे, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों ने शायद एक चीज फील की हो कि अभी तक मैंने कई इंटरव्यूज लिए हैं बट उनमें से अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट कैंडिडेट था तो उसमें से हर्षित ही था, इसके पहले लव सर का भी इंटरव्यू ऐसे ही था क्योंकि ये भी टीचर रहे हैं और कानपुर में ऑफलाइन में इन्होंने लंबे समय तक पढ़ाया है, एंड ही हैज बीन थोड़ा सा इफेक्ट आया था वो। चलिए सो लेट्स कीप इट क्लियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।